सनी देओल के बड़े बेटे का नाम है करण देओल, जिन्होंने पल पल दिल के पास के जरिए अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। 2019 में आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धराशाही निकली, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगली बार उन्होंने अपनी पारी बेले फिल्म के जरिए खेली, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि सनी पाजी के बड़े बेटे करण देओल का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन इसी कड़ी में अब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाने वाले आमिर खान सनी पाजी के फ्लॉप बेटे करण देओल का करियर संवारने के लिए बड़ा कदम उठा चुके हैं और उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 में उन्हें एक बड़ा मौका दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी पाजी, जिनकी 2023 में आई फिल्म गदर 2 की अपार सफलता के बाद हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है और उनमें से एक नाम है आमिर खान का भी। आमिर खान की आगामी फिल्म होने वाली है लाहौर 1947, जिसके वो निर्माता हैं और निर्देशक के तौर पर राजकुमार संतोषी इस फिल्म के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि कई महीनों से लगातार एक नाम इस फिल्म से जोड़ा जा रहा था और ये नाम था सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल। फिल्म में उनके पिता सनी देओल पहले से ही फिल्म का हिस्सा थे और वो इस फिल्म के लीड हीरो थे, लेकिन इसी कड़ी में अब फिल्म के दूसरे कलाकार के रूप में अब करण देओल की भी एंट्री हो चुकी है। मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूदा समय में लाहौर 1947 से जुड़े कई सारे अपडेट देखने व सुनने को मिल रहे हैं। आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म में सनी देओल के साथ उनके रियल लाइफ बेटे करण देओल भी नजर आने वाले हैं। बताना चाहेंगे कि करण ने साल 2019 में आई अपनी फिल्म पल पल दिल के पास के जरिए अपना पहला कदम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रखा था और ये फिल्म भी सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई। वेले फिल्म में काम करने के बाद अब करण देओल की आगामी फिल्म होने वाली है लाहौर 1947। आमिर खान ने लाहौर 1947 का एक बड़ा अपडेट दिया है, जिस पर उन्होंने बताया है कि करण देओल इस फिल्म में जावेद के किरदार में नजर आने वाले हैं। आमिर खान का फिल्म में जावेद के किरदार निभाने वाले करण देओल को लेकर कहना था कि मैं बहुत खुश हूं कि करण देओल ने जावेद के किरदार के लिए इतना अच्छा ऑडिशन दिया है। उनकी मासूमियत और ईमानदारी उन्हें इस किरदार की भूमिका अदा करने में बहुत मदद करेगी। करण ने इस किरदार के लिए सच में बहुत मेहनत की है, पहले आदिशक्ति के साथ वर्कशॉप की और फिर राज के साथ रिहर्सल की। आमिर ने आगे भी बताया कि जावेद इस फिल्म का बहुत अहम हिस्सा है, मुझे यकीन है कि राजकुमार संतोषी के निर्देशन में करण ये किरदार निभाने में सफल होंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि अब करण देओल, जो कि बॉलीवुड के फ्लॉप स्टार किड्स में से एक माने गए, उनके करियर को संवारने के लिए आमिर खान ने उन्हें बड़ा मौका दिया है। जाहिर तौर पर करण देओल पिता सनी देओल के साथ काम करने के बाद उन्हें खूब लाइमलाइट मिलेगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आने वाले समय में तमाम निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे। इसी के साथ ही अगर बाकी कलाकारों की बात करें तो सनी देओल फिल्म के लीड हीरो हैं और उनका इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर साथ देने वाली हैं प्रीति जिंटा। फिल्म में उनका एक अहम किरदार होने वाला है और लाहौर 1947 इस समय की सबसे मोस्ट वेटेड फिल्म में से एक मानी जा रही है।